नमस्कार अर्चना एम आई ऑडिबल सुनाई पड़ रहा है मैं ऑडिबल सुनाई पड़ रहा है अगर सुनाई पड़ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं तो मैं कार्यक्रम शुरू कर दूंगी नमस्ते सर ओके नमस्कार मैं पॉली राउत जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ प्रथमतः मैं जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल का आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक आ, मंच दिया इतना सबल एक एक में एक मंच दिया कि मैं अपना वक्तव्य रख रख पाऊँ मुझे आमंत्रित किया और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी रामलाल सर का जिनकी प्रेरणा से आज जिस विषय पे मैं बोलने जा रही हूँ उन्हीं की प्रेरणा से इस विषय पे मैं अपना काम आगे बढ़ा पाई हूँ तो हार्दिक आभार उनका भी दूसरी बात आज रविंद्रनाथ जी की उन्नासी पूर्ण तिथि है तो गुरुदेव रविंद्रनाथ को तो सभी जानते हैं वे केवल भारत के नहीं विश्व के उनका साहित्य विश्व का एक मूल्यवान धरोहर है तो उनकी ही कुछ कविताओं की पंक्तियों से मैं आरंभ करने आरंभ करने जा रही हूँ ये उनकी मूल रचना से है उसके बाद मैं अपना अनुवाद आपके सामने रखूँगी गुरुवार रविंद्रनाथ ने का जो साहित्य है उसमें हम दलित जो है जो वंचित है जो सर्वहारा है उनके प्रति उन्होंने बहुत अपनी ठोस आवाज सामने रखी है उन्हीं में से एक कविता चूँकि यह मेरे शीर्षक से मिलती जुलती है मैं आपके सामने रख रही हूँ हे मोर दुर्भागा देश ज देर अपमान अपमाने होते ताह दे सवार समान मानुषर अधिकारे वंचित तो करो जारे सम्मुखे दड़ाए रेखे तोबू को कोले दाओ ना स्थान अपमान्य होते हौबे ताहा देर समान इसका हिंदी अनुवाद मेरा स्व अनुवाद है मैं प्रस्तुत करती हूँ हे मेरे दुर्भाग्य देश जिनका किया है अपमान अपमान में होना होगा उन सबके समान मनुष्य के अधिकार से वंचित किया जिनको सम्मुख में खड़ा रख नहीं दिया गोद में स्थान अपमान में होना होगा उन सबके सम्मान तो कवि गुरु रविंद्रनाथ को याद करते हुए मैं आज अपने विषय की ओर बढ़ती हूँ आज आ, का जो मेरा विषय है वह दलित एवं बंगला आ, द, हिंदी दलित एवं बंगला साहित्य का एक पाठ है एक तुलनात्मक पाठ आप कह सकते हैं कि किस प्रकार आ, जो जो दलितों की परिस्थितियाँ हैं जो अवस्थाएँ हैं जो शोषण है, वो भारत देश में विभिन्न प्रांत में जिस प्रकार यहाँ की भाषाएँ भी अलग अलग है वो अलग हैं परंतु उनका जो उन पर असर पड़ता है वो एक समान है परंतु वो किस प्रकार अलग है एवं उनका एक प्रकार से तुलनात्मक पाठ और दलित विमर्श की ओर एक दृष्टि ये मेरे आज का विषय है मूलतः हम दलित शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए करते हैं जो भी मनुष्य दलन दमन इन स्थितियों से गुजरा है उसे हम लोग दलित कहते हैं हमारे देश में गैर दलित जातियों को उनके जन्म के आधार पर जो है श्रेष्ठता प्राप्त है हमारे यहाँ जो मनुस्मृति या मनु के जो कहे अनुसार जो भी वर्ण विभाजन है उसमें दलितों का स्थान बिल्कुल पायदान पे है वो शूद्रों को हम लोग हम लोग पंचम वर्ण भी कहते हैं उनका कार्य ही यह माना जाता है कि वे बाकी, बाकी जो उच्च वर्ण हैं उनका मेला साफ करेंगे या आ, उनके आ, उनका जो कार्य है उनके उनके जो कार्य वो नहीं कर पाते हैं जो पायदान के कार्य है वो सारे वो लोग करेंगे तो हमारे देश में जो दलितों की जो स्थिति है जो मतलब तो अगर हम लोग शास्त्र शास्त्र मत से देखें तो शास्त्र मत से धार्मिक रूप से यह स्थिति है परंतु इसका एक अभी इसका एक राजनीतिक तौर भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि पहले से तो इन लोगों के धनोपार्जन ज्ञानोपार्जन पर प्रतिबंध लगा कर इन्हें बिल्कुल पीछे ढकेल दिया गया है परंतु अभी तक जो राजनीति चल रही है अभी तक जो देश में देश का या समाज का विशेषकर हम लोग अगर कहें जो परिस्थिति है हम लोग अभी भी उन्हें मतलब अपने समान या बोले जे थोड़ा बहुत उन्हें उभार कर नहीं लेके आ पाए हैं दलित दलितों के शोषण की बात तो हम लोग जानते ही हैं पर आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि दलित जो थे उन्होंने अपनी आवाज़ कब से या कैसे उठानी शुरू की सर्वप्रथम जब इन्होंने प्रेरणा ली ब्लैक पैंथर मूवमेंट से ब्लैक पैंथर मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ही हमारे देश में दलित पैंथर मूवमेंट जो है वो आया वो 1972 के करीब ये हम देख सकते हैं पहले तो अमरीकी साम्राज्यवाद जो थे साम्राज्यवादी जो लोग थे वो मुट्ठी भर लोग पूरे विश्व पे अपना शासन किए हुए थे दास बनाए हुए थे उपनिवेशवाद का उन्होंने बिल्कुल मतलब एक दौर चलाया हुआ था उनके विरुद्ध में आया था ब्लैक पैंथर मूवमेंट और वहां से प्रेरणा लेकर हमारे देश के दलितों ने जो है यहाँ पे दलित पैंथर मूवमेंट का आविर्भाव हुआ इसमें जो उन्होंने बोला जो वहाँ उसके जो कर्णधार थे उन्होंने बोला कि हमें ब्राह्मणों की गलियों में अपना स्थान नहीं चाहिए हमें अपना स्थान चाहिए तो ये जो एक अलग स्फेयर की बात कर रहे हैं एक अलग जगह की बात कर रहे हैं अपने स्थान की मांग कर रहे हैं यहाँ से हम लोग दलितों की आवाज़ या, या दलित साहित्य या समाज में दलित का पदार्पण देख सकते हैं जिसमें दलित पैंथर मूवमेंट की या उन्होंने जहाँ से प्रेरणा लिया ब्लैक पैंथर मूवमेंट उस उसके उस उसके गुरुत्व को हम समझ ही सकते हैं यहाँ पे मूलतः अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसको मार्क्स से से रिलेट करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पूंजीपति है जो पूंजीपति है वो अपने हाथ में अपनी पूंजी रखता है और जो मजदूर है वो वो अगेंस्ट द पावर है वो पावर के पावर से दूर है पावर के विपरीत है उसे वो कभी भी वो मोड ऑफ प्रोडक्शन में घुसने नहीं देता है उसी प्रकार हमारे देश में जो जाति प्रथा है उस उसको अगर हम लोग गौर करें तो हम भी जो आ, हम भी जो जितने भी ज़मीनी जायदादी अच्छे अच्छे कार्य जितने भी अधिकार है, वो उच्च वर्ण के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं और इन लोगों को जो पायदानों में माने जाते हैं इस पंचम वर्ण को उसने अपने ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करने के लिए या फिर यूँ कहे कि एक अधिकार क्षेत्र से एक अधिकार के स्फेयर से उन्होंने बाहर कर दिया है उसके ज़रूरत पे हम लोग उसको प्रयोग करते हैं जैसे कि पूंजीपति को जब ज़रूरत होती है पूंजीपति तो मजदूर के बिना चल नहीं सकता उसकी ज़रूरत पे उसको जितना चल उसको जितना मिनिमम दे दे के वो काम कर सकता है वो दे के उससे काम करवा लेता है उसी प्रकार हमारे देश में धार्मिक रूप से ये शोषण कायम रहता है जहाँ पर कि दलित जो है उनको अपने धनोपार्जन ज्ञानोपार्जन उनकी पढ़ाई लिखाई उनका व्यवसाय कोई अच्छा व्यवसाय उनके लिए निश्चित नहीं है वो क्या करेंगे वो मेला साफ करेंगे वो दूसरे वर्णों का मेला साफ करेंगे पायदान में रहेंगे उनके जूठन पे जिंदा रहेंगे उनके लिए एक निश्चित अधिकार या उनका अपना स्वेर हमारे समाज ने अभी तक बनाकर नहीं दिया है यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारे देश के का जो सामाजिक हमारे देश की जो सामाजिक स्थिति है उसमें केवल पूंजी या पैसा ही जो है वो जरूरी नहीं है यहाँ पे जो है सामाजिक अवस्थान बहुत एक मायने रखता है ओम प्रकाश बाल्मीकि जी ने कहा था कि यहाँ पढ़ लिख कर जाति नहीं सुधरती यहाँ जाति सुधरती है जन्म से मतलब यहाँ जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर शास्त्रमत तरीके से जन्म के आधार पर लोगों को अधिकार प्राप्त है लोगों को अधिकार प्राप्त है और जन्म के आधार पर कोई दलित कोई नीच कोई कोई और कोई उच्च बन जाता है तो यहां हमारे देश हमारे समाज में हमारे जो हिंदुत्ववादी जो एक एक जातिवादी एक विद्वेष, एक जातिवादी प्रणाली एक जातिवादी सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ केवल पैसा और पूंजी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है या इंपॉर्टेंस रखता है आपका सामाजिक अवस्थान भी यहाँ पे हम लोग जिस विषय में बात कर रहे थे कि दलित पैंथर मूवमेंट वो इस जीमनी को प्रश्न करता है।, है कि वो हैजीमनी को प्रश्न करता है इस नायकत्व को प्रश्न करता है कि जो अधिकार एक निश्चित वर्ग के लिए सुरक्षित करके रखे गए हैं वो अधिकार हमें क्यों प्राप्त नहीं है यहाँ एक काउंटर हैजीमनी हम लोग देख सकते हैं कि दलित पैंथर मूवमेंट जो है इस हेजीमनी के खिलाफ एक दो एक जो है एक जवाबी नायकत्व स्थापित करता है कि आम, इस हजमनी को हमें तोड़ना है इस फेयर से हमें निकलना है जो आपने वर्ग हमारे लिए जो स्थिति हमारे लिए तैयार कर रखी है समाज में उस स्थिति से हमें निकलना है एक अलग परिसर एक अलग फेयर हम लोग को तैयार करना है इस इस कार्य को दलित पैंथर मूवमेंट ने बहुत जोरदार इसमें ईंधन जगाया और दलितों जो दलित थे जितने भी दलित थे उनको इन्होंने उद्बुद्ध किया कि हम लोग एक काउंटर हैजेमनी को यहाँ पे स्थापित करें एक इसके एक इसके हेजेमनी के खिलाफ जाए जो इसमें दलित आत्मकथाएँ बहुत एक अपना गहरा स्थान रखती हैं आंदोलन तो बहुत ही बढ़िया है पर एक आत्मकथा जो है दलितों की जो आत्मकथा है मैंने जितनी भी पढ़ी है आप लोगों ने भी पढ़ी होगी तो एक दलित की जो आत्मकथा पढ़ने के बाद एक धारणा टूटती है आज तक समाज की साहित्य की इतिहास की इन तीनों की जो एक तरीके की धारणा तैयार थी समाज में या हम लोगों के मन में दलित आत्मकथाओं के आने के बाद ये धीरे धीरे इस ये पुरोबंध टूटने लगते हैं ये पुरोबंध टूटते हैं इसलिए कि हमें हमें पता चलता है कि एक वर्ण, बड़ा वर्ग वो चाहे दलित महिला का हो वो चाहे महिला का हो वो दलित का हो वो आदिवासी का हो एक बड़ा वर्ग एक निश्चित वर्ग से छूटता चला गया है उसका स्थान इतिहास में भी नहीं है उसका स्थान साहित्य में भी नहीं है उसका स्थान समाज में भी नहीं है तो जब हम आत्मकथाओं को पढ़ते हैं विशेषकर दलित आत्मकथाओं को चाहे वो महिला दलित आत्मकथाएँ हो या दलित आत्मकथाएँ हो, पुरुष दलित आत्मकथाएँ तो हम लोग के जो पूर्वबंध है और ये जो एक गैप है साहित्य इतिहास के बीच में जो गैप है ये हमारे सामने आता है कि एक वर्ग उसकी उसका उल्लेख किए बिना एक पूरा साहित्य और इतिहास लिखा जा चुका है इसका मूल कारण ये है कि इतिहास जो है वो पावर का इतिहास है शक्ति का इतिहास है और शक्ति किसके पास है पावर किसके पास है वो हम लोगों को पता है पावर दलितों के पास नहीं थी पावर उच्च वर्ण के पास था इसलिए इतिहास भी लिखा गया उच्च वर्ण का तो एक जो मतलब एक जो गैप है ये इसके लिए आत्मकथा बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है चूंकि हमारे देश में आत्मकथा का आविर्भाव बाद में हुआ और अब दलित आत्मकथाओं का आविर्भाव तो और बाद में हुआ इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि हमारे देश में अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इकबालिया बयान हुआ करता था जो कन्फेशन वो लोग चर्च में करते थे जो भी बुरे काम वो लोग करते थे उसका कन्फेशन वो पादरी के पास या फिर चर्च में जाके किया करते थे तो जो लोग ये कन्फेशन नहीं कर पाते थे या फिर नहीं करना चाहते थे वो इसे लिखते थे तो ये एक तरीके का आ, ये तो उन्होंने अपनी कथा लिखी ये एक तरीके का आत्म एक आत्मकथा लिखने की जो एक एक श्रृंखला थी वो वहाँ पहले तैयार हुई क्योंकि तो वहाँ इकबालिया बयान दिया जाता कन्फेशन वो लोग लो लिख के रख लिखते थे हमारे देश में यहाँ भी एक धार्मिक कारण है कि हम लोग मानते हैं कि जीवन क्षण भर का है मुख्य कृत्य तो मृत्यु के बाद होना है तो इस क्षण भर के जीवन को कभी हमने गुरुत्व ही नहीं दिया कि इसको भी हम लोग लिपिबद्ध कर सकते हैं या इसका इसका लिपिबद्ध किया जाना ज़रूरी है यह हमारे देश में नहीं सो, हमने नहीं सोचा और एक इंसान जब आत्मकथा लिखता है तो उसमें वो अपनी कल्पना को भी स्थान दे सकता है पर हमारे यहाँ अपने वर्ग से अपने समाज से हटकर सोचना पाप माना जाता है यहाँ लेखन बहुत आत्मकथा लेखन बहुत देर से आया मतलब कि मतलब लेखन देर से आया और इसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई मतलब कि ब्रह्म आत्मा वसुधैव कुटुम्ब कम मतलब एक छोटा सा परिवार है हम लोग अलग से अपनी सत्ता को जो स्थापित करके जो एक आत्मकथा लिखने की जो विधि थी एक वो था वो बहुत बाद में आया तो इस प्रकार आत्मकथाएं जब आने लगी दलितों की आत्मकथाएँ जब आने लगी तब उनकी स्थितियाँ उनकी परिस्थितियाँ उनके शोषण उनके अभाव उनकी परिस्थिति उनका सामाजिक जो स्थान ये सामने आने लगा इसलिए दलित साहित्य में आत्मकथा को पढ़ा जाना आत्मकथा का लिखा जाना आत्मकथा पर बात करना बहुत ज़रूरी है दलित दलित लेखन में आत्मकथा नहीं ए, माना जा सकता है कि दलित साहित्य जो है वो बिल्कुल मतलब कोई एक अगर लिखता है तो वो मुझे सभी को ऐसा लगता हो कि पढ़ के लगता है कि वो बहुत जन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है मनोरंजन व्यापारी ने कहा मैं मनोरंजन व्यापारी दलित लेखक है बांग्ला के या उनकी आत्मकथा हिति बिते चांडाल जीवन उन्होंने कहा कि मैं तीस हज़ार परिवारों में से अकेला पढ़ा उस समय और उनका पढ़ा जाना बिल्कुल अद्भुत था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जेल में की उन्हें पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला पढ़ने वो बहुत खुश थे जेल जाकर कि मुझे दो वक्त का खाना मिल जाता है तो मैं पढ़ पाता हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा मेरे गांव के तीस परिवारों में से तीन बच्चे पढ़ते थे तो शिक्षा का अभाव सम, आ, सामाजिक सम्मान का अभाव तो इंसान कैसे लिखेगा तो जितनी भी आत्मकथाएँ हमारे सामने आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मकथाओं के द्वारा हम उनके 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 बारे में जान पाते हैं जो कहें कि ये एक साक्ष्य प्रमाण है टेस्टिमोनियल लिटरेचर है टेस्टिमोनियल लिटरेचर जैसे जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग थे वो लोग साक्ष्य प्रमाण लिखते थे तो उन्होंने अपने जीवन में जितने दुख भोगे मतलब वो असहनीय दुख शायद पढ़ के कोई सह ना पाए वो उन्होंने जब लिखे वो टेस्टिमोनी थे वो 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 साक्ष्य प्रमाण थे तो हमारे देश के परिस्थिति के अनुसार अगर देखें ये भी टेस्टिमोनियल लिटरेचर ही है कि जिन्होंने जो भोगा जो सत्य यथार्थ नग्न यथार्थवाद को बिना कला में बिना सौंदर्य में बिना किसी चीज़ में लपेटे हमारे सामने रख दिया तो ये साक्ष्य प्रमाण है ये इतिहास के बहुत करीब है इसमें कल्पना का स्थान बहुत कम है ये साक्ष्य प्रमाण है हमारे लिए तो दलित को अगर हम लोग देखें तो दलित कोई जन्म से जन्म पैदा होते ही समझ नहीं जाता कि मैं दलित हूँ वो रोजमर्रा के दलन से रोजमरिया के जो सामाजिक षड्यंत्र है दलन की जो अभिज्ञता है उसके बीच में से जाते हुए वो, वो दलित बनता है यूँ तो हम लोग कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास पर वो वो जो दलित वर्ग जो है वो जो अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है वो लोग दलन आ, जो दलित जातियाँ जो हैं वो दलन के माध्यम से दलिन दलन के बीच में से होते हुए गुजरते हुए वो लोग सम, वो लोग दलित बनते हैं तब जाके आ, मतलब उन्हें पता चलता है कि समाज में मेरा स्थान क्या है मैं हिंदू हिंदू होते हुए भी आ, मैं मुझे हिंदुओं ने मतलब नकार रखा है यहाँ मैंने अपना शिक्षक जो है वो बांग्ला और हिंदी ये दो शब्द मैंने यहाँ इसलिए प्रयोग में लाए हैं कि यहाँ मैं दो राज्यों दो भाषाओं दो परिस्थितियों दो अनुभूतियों और उनके दो प्रकार के प्रतिरोध को मैं देख सकती हूँ क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश में भाषाएँ हर राज्य की भाषा अलग है उसी प्रकार कहीं ना कहीं दलितों की जो समस्या या उन दलित होने के कारण मतलब जो समस्या को वो लोग फेस करते हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं अलग है और उसके प्रतिरोध भी अलग हैं अगर हम लोग मूलतः यहाँ बांग्ला और हिंदी की ही बात करेंगे मराठी और हिंदी जो दलित साहित्य है उसका उसके अध्ययन के बाद बातें बहुत समान लगती हैं बहुत एक जैसी लगती हैं पर जैसे ही बांग्ला साहित्य में हम लोग पदार्पण करते हैं दलित साहित्य में तो यहाँ लगता है कि नहीं यहाँ यहाँ कुछ कुछ अंतर है अंतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बंगाल में उदारवादी नीति या फिर आप कहें कि औपनिवेशिक शिक्षा या फिर मार्क्सिज्म ये बहुत पहले आया तो हम लोग दिखते ऊपर से उदार हैं हम लोग देखते ऊपर से उदार हैं परंतु कहीं ना कहीं जाकर दलित दलितों की समस्या वही बनी हुई है यहाँ दो परिस्थितियों चुनौतियों अवहेलना घटना परंतु समान अनुभवों को हम लोग देख सकते हैं मतलब घटनाएं परिस्थितियाँ अलग हैं परंतु उन लोगों की जो अनुभूति है वो एक जैसी है उसको उस, उस पर चर्चा हम लोग आगे चलते हुए करेंगे तो एक है इसलिए क्योंकि उनके लेखन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कारण अलग हो सकते हैं पर लगता है कि उनका जो आख्यान है उनका जो आख्यान है वो बहुत उनकी जो अनुभूतियाँ हैं वो जो कटु अनुभूतियाँ हैं वो बहुत एक सी हैं उन उन्होंने कोई सुख आख्यान का यहाँ पे साहित्य में जिक्र बहुत कम किया है दल मतलब दलित साहित्य जो है उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो, तो अगर हम लोग आ, कुलनानी ठाकुर को पढ़ें मनोहर मौली विश्वास को पढ़े मनोरंजन व्यापारी को पढ़े ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ें या फिर हम लोग बेबी कामले को पढ़े या फिर हम लोग कौशल्या वैसंतरी को पढ़े किसी को भी हम लोग अगर पढ़े पर महिला दलित जो हैं उन्होंने जो लिखा है उनकी परिस्थितियाँ भी और बहुत थोड़ी अलग है पर उनके अनुभव एक जैसे हैं तो ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य है ये ऐसा लगता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल मतलब वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं लिख रहे हैं वो उन्होंने अपना एक पूरा वर्ग हमारे सामने आ, रखा है कोई एक लिखता है पर पढ़ के लगता है एक पूरे वर्ग का व्याख्यान है उसमें तो वे जब मन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे हैं तो बस ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं लिख रहे हैं उनके उस बस्ती के तीस हज़ार परिवार का लड़का लिख रहा है उनके उन्होंने अपनी परिस्थिति इस प्रकार सामने रखी है इसलिए ये आत्म कथा है बहुत इम्पोर्टेंट है भारत जो है जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे प्रांत भाषाएँ जैसे अलग अलग है समस्या भी वैसे अलग अलग है इसका कारण क्या है अगर हम इसके कारण की ओर जाएं तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ों से शुरू करते हैं जैसे अंग्रेज अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत जुल उठाए बहुत खराब कुछ किया पर वो लोग एक नई शिक्षा नीति भी लाए शिक्षा भी लाए हमारे देश में ये हम लोग को मानना पड़ेगा तो जब वे लोग कुछ सुधारवादी नीति कर रहे थे या शिक्षा का प्रसार कर रहे थे उसी मध्य 1857 का रिवोल्ट हुआ 1857 के आंदोलन के बाद जो महाजन संग्राम हुआ उसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी तब उसके जो मुख्य कारण थे कि सुअर की, की चर्बी कारतू से नहीं निकालेंगे गाय के चर्बी नहीं निकालेंगे सात समंदर पार नहीं जाएंगे यहां अगर देखें तो मूलतः बातें थी जो धार्मिक थी धार्मिक कारणों की वजह से भी ये, ये आंदोलन बहुत सफल रहा यह इसका एक हम लोग गुण मान सकते हैं पर बुरा यह हुआ कि अंग्रेजी राज ने अपनी नीति बदल ली उन्होंने कहा कि हम लोग यहां सुधारवाद लाएंगे जरूर लाएंगे थोड़ा बहुत लाएंगे ज्यादा लूटेंगे पर थोड़ा बहुत जो भी लाएंगे उसमें धार्मिक धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाए बिना हम लोग अपना काम करते रहेंगे तो यहाँ क्या हुआ जब उन्होंने शिक्षा नीति को सामने रखा तब शिक्षा नीति में जो लाभवान हुए वे, वे भी प्रथम श्रेणी के ही लोग थे उन्होंने भी उस वक्त जाति प्रथा का उन्मूलन किए बिना जात उन्मूलन किए बिना इस धार्मिक चीज़ में हस्तक्षेप किए बिना उन्होंने शिक्षा नीति लागू कर दी जिसके चलते जो प्रथम श्रेणी के या यू कहें कि उच्च श्रेणी के जो लोग थे क्योंकि तो आर्थिक रूप से वही सबल थे आर्थिक सामाजिक रूप से हमारा उच्च उच्च उच, उच्च उच्च जात ही सबल था तो फायदा भी उन्हीं को मिला फायदा भी उन्हें मिला क्योंकि अंग्रेजों को बाई ब्लड इंडियंस चाहिए थे पर बाई माइंड तो उन्हें अंग्रेज़ चाहिए थे तो उनको उनका उनका कारखाना चलता रहा पर यहाँ पे जातिवाद का उन्मूलन नहीं हुआ और जिसके चलते यहाँ पे शिक्षा नीति का प्रसार भी दलित जातियों में न के बराबर हुआ बंगाल आ, में जो था उस वक्त बंगाल मद्रास इस वक्त उस जगह अगर कहे तो उस जब ये सब नीतियाँ आ रही थी या फिर मार्क्सिज्म का जब प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा था तब ये यहाँ पे दलितों को या फिर जो थे उन उनको अपना हिस्सा मिला उनके उनकी शिक्षा में उतनी अर्चन नहीं आए परंतु वे इस लायक ही नहीं थे वे इस लायक ही नहीं थे कि उस शिक्षा को ग्रहण कर पाए उस वक्त भी जिन्होंने विश्वविद्यालय या विद्यालय खोले वहाँ पे धार्मिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए बहुत लोगों ने लगाए कि नी, बिल्कुल जो निम्न जाति के लोग हैं वे वहाँ पे अपना पदार्पण ना कर पाए बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे मुख्य बात ये है कि बंगाल का जो दलित है वो मुख्यतः विभाजन के बाद आया है एक बड़ा हिस्सा जहाँ पे हिंदू दलित बसते थे हमने उस वक्त विभाजन ऐसे किया गया कि कुछ मुस्लिम क्षेत्र जो बांग्लादेश में जाने चाहिए थे तो वो इस तरफ आए और कुछ हिंदू दलित होने के कारण केवल हिंदू दलित होने के कारण वो क्षेत्र बांग्लादेश में छोड़ दिए गए विभाजन इस प्रकार किया गया तो विभाजन करने के बाद जो लोग वहां से माइग्रेटेड हुए जो रेफ्यूजी की हैसियत से आए उनमें मनोरंजन व्यापारी भी एक जन थे उन्हीं, के, उन्हीं की आत्मकथा से हमें ये सब बातें पता भी चलती हैं और सबसे मजे की बात यह है कि विभाजन के वक्त केवल दलित ही नहीं आए विभाजन के बाद वक्त बांग्लादेश से अपर कास्ट के बहुत लोगों ने भी माइग्रेशन किया बहुत बहुत रेफ्यूजीज़ आए परंतु उन्हें कॉलोनियों में बसाया गया मनोरंजन व्यापारी के शब्दों में अगर कहें तो कुछ लोगों को दामाद खातिर दिया गया कुछ लोगों को कैंप में रखा गया दामाद खातिर देने का अ, मतलब है कि जिनके पास अर्थ था वो तो पहले ही पलायन करके आ चुके थे जिनके पास नहीं था उन्हें जादवपुर या बहुत अन्य अन्य जगह पे कॉलोनियों में बसाया गया पर जो दलित थे जिसमें तीस हजार परिवार 30 से चालीस हजार परिवार उन लोगों को सबसे पहले दंड ने भेजा गया फिर अंडमान भेजा गया फिर मोरिजा भी भेजा गया इसी बीच आधे लोग मर गए कैंपों के जीवन का वर्णन अगर पड़े आगमबन के कैंप का मॉडल याद आ जाता है मतलब मार भी सकते हैं अधिकार भी नहीं है कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमने तुमको जब हमने तुमको रखा है एक कैंप के मॉडल में और कुछ चीज़ और कुछ लोगों को रखा है कॉलोनीज में तो ये जो एक विभेद है यहाँ पे जातीय मतलब यहाँ पे जो है जाति की बात आ जाती है यहाँ पे दलित और उच्च वर्ण का विभेद हम लोग देख सकते हैं इसलिए बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो दलित आत्मकथाएँ भी बहुत कम मात्रा में बहुत देर से आनी शुरू हुई क्योंकि स्मृति कथा जो थी बांग्लादेश से जो लोग आए थे उन्होंने स्मृति कथा लिखी स्मृति चारण लिखा पर वो सारी उच्च वर्ण के द्वारा लिखी गई थी वहाँ पे दलित जातियों द्वारा लिखा गया आपको कुछ नहीं मिलेगा बहुत देर में कल्याणी ठाकुर चाड़ल का मैंने पढ़ा है मनोरंजन व्यापारी का अगर पढ़ें तो ये एक व्यतिक्रम है एक व्यतिक्रम है कि वो लोग लिख पाए वो लोग पढ़ पाए वो लोग जी पाए तो ये जो साहित्य है ये बहुत मूल्यवान धरोहर है तो उनके जो मनोरंजन व्यापारी कहते हैं उनके कैंप का जो उन्हें जिस कैंप में रखा गया था वहाँ पे एक लाश जला के आने से पहले चार लाशें बीत जाती थी तो आप समझिए वो नरकीय जीवन कैसा होगा जहाँ पर लोग जलाते जलाते थक गए ये पूरा जो अगमन के कैंप के मॉडल से हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं था उन लोगों को मार दिया जा सकता था उन लोगों को मार दिया गया था उन लोगों को मुरी झापी कांड भी हम लोग ये देख सकते हैं कि उनको मार दिया गया अग्निकांड हुआ बलात्कार हुए मगरमच्छ के पेटों में गए शेरों के पेट में गए हम लोग हंगड़ी टाइट्स में जो है इसका एक उल्लेख है तो वहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि मोरी झापी कांड जो हुआ या फिर कैंप का कैंप में रखे जाने वाले लोगों के ऊपर हम लोग थोड़ा देख सकते हैं अब हम लोग आते हैं कि मुख्य मुद्दे पे कि बांग्ला और जो दलित बांग्ला और हिंदी का जो दलित साहित्य है उसमें हम लोग थोड़ा समानता असमानता खोज सकते हैं ये एक ये आ, ये विषय जो है हमें एक और ले जाता है कि दलितों की जो समस्या है ना वो एक मात्रिक है ना वो एक जैसी है और ना ही उसका एक निश्चित उपाय है आप अगर समझे कि एक दलित की ये समस्या है इस उपाय ये उपाय करेंगे दलित का उद्धार हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता वो एक मात्रिक नहीं है वो वो लाइंस अपने आप में कटती हैं वो बहुत तरीके की समस्याएं हैं और जो प्रांत और जो भाषा जो कल्चर इसके इसके बदलने के साथ साथ बदल जाती है सीमाओं के बदलने के साथ साथ बदल जाती है तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो मुजफ्फरपुर से थे वो बरला नामक स्थान से अपना नाता रखते थे तो उनके पास अपनी नागरिकता थी कुछ नहीं नागरिकता थी वोट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे कुछ नहीं तो नागरिकता थी रह नागरिकता थी बस 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 बोलने की बात है मतलब जिंदा रखे गए थे कि दूसरों के काम आ सके किसी का बैल गाय मर जाए तो वो साफ कर सके कूड़ा कर कर साफ कर सके वो भूम जिस जगह पे भी रहते थे वो बीच बीच में ठाकुर आके या फिर उच्च वर्ण का मालिक आके बोलेगा कि ज़मीन मेरी है मैंने तुमको रहने लायक दिया है तो कुछ नहीं तो बस नागरिकता थी इस तरफ अगर हम लोग मनोरंजन व्यापारी में आ जाए बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में आए तो हम लोग देखते हैं कि जब वो तारों के इस पार आए तब नागरिकता भी नहीं थी कोई प्रमाण पत्र नहीं था जन्म प्रमाण पत्र नहीं था कि एक इंसान जो जीवित है जो कोई नाग शायद वो शायद नागरिक बन सकता है या नागरिक है उसे इस देश के सरकार के द्वारा लाया गया है उसके पास अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं है उसके अस्तित्व पे प्रश्न है वो कितनी संख्या में कितनी तादाद में मरता है इसकी कोई खोज नहीं है तो एक तरफ नागरिकता है पर नागरिकता रहना और ना रहना समाज ने ऐसी स्थिति पर तैयार कर रखी है कि आप उस नागरिकता से भागेंगे और एक तरफ नागरिकता नहीं है नागरिकता तैयार नहीं नहीं हो पा रही है दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि जब अछूतोद्धार गांधी जी के अछूतोद्धार या फिर बोले अम्बेडकर जी के आंदोलनों के बाद जो था कि शिक्षा नीति का थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था मिल रहा था उसी के अंतर्गत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत कष्ट करते हुए शायद और दूसरा कोई होता तो आज हम लोग जैसे अगर होते तो शायद ना पढ़ पाते पर उन्होंने वो उस शिक्षा थोड़ी बहुत उस उस आशा की किरण के द्वारा अपनी शिक्षा स्कूली शिक्षा पूरी की यहाँ पे अगर हम लोग मनोरंजन व्यापारी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं तो उन्होंने जेल जाकर पढ़ाई की वो बहुत खुश थे कि मुझे दो वक्त खाना मिलता है मैं पढ़ सकता हूँ पत्थर तोड़ के कुछ कॉपी किताब खरीद के मिट्टी में लिख कर उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की रिक्शा चलाते चलाते लिखा आज भी वो एक स्कूल में खाना पकाते हैं तो लिखते हैं कि खाना पकाने से पहले दो लाइन खाना पकाने के बाद दो लाइन खाना देने के बाद दो लाइन ऐसे करते करते उन्होंने अपना लेखन वो आज अभी तक वो उनका लिखने का मतलब परिस्थिति ये है कोल्लानी ठाकुर चाड़ाल को अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने भी बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से उनके उनकी जो उनका जो गांव था उनका जो वो जिस जगह पे रहती थी तो उस जगह से बहुत कम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की जिनमें से शायद उन्होंने जैसा लिखा है कि एक दो जन ही सामर्थ्यवान हो पाए पढ़ लिख करके उन्होंने कुछ किया है फिर भी उन्हें पढ़ने जब वो पढ़ती थी उस वक्त या पढ़ने के बाद नौकरी में उन्हें बहुत बातें सुननी पड़ी तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये क्षेत्र के अनुसार बदलती जा रही हैं परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र के अनुसार अवस्थाओं के अनुसार बदलती जा रही है चौथा चौथी पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है या मराठी क्षेत्र की जितनी भी हैं मैंने पढ़ी हैं उसमें जो कास्ट डिवीज़न है वो बहुत क्लियर है तुम दलित हो तुम तुम ये 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 नहीं कर सकते तुम तुम दलित हो तुम बी बन गए हो फिर भी ब्राह्मण के गांव में घुसने से पहले चप्पल सर पे लेके घुसना पड़ेगा वहाँ पे ये डिवीज़न इतना भयंकर है वहाँ पे वो डिवीज़न पर उतना क्लियर भी है बेबी कामले लिखती है कि वो लोग जब झूठन मांगने जाते थे एक जन जाता था झूठन मांगने पूरे गांव के लिए तब मुंह से आवाज़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो मुंह से आवाज़ करके मांग लेगा झूठन तो जो खा रहा है ब्राह्मण उसका खाना नष्ट हो जाएगा तो डंडे पे घुंघरू बांध के वो लोग आवाज़ करते थे कि मैं झूठन मांगने आया हूँ तो वहाँ तो जातिवाद का दंश तो मतलब भयंकर है वहाँ जो है वो आंखों से दिखता है कि मतलब टाइटल पकड़कर उपनाम पकड़ के बिल्कुल वो लोग जो है जाति प्रथा बिल्कुल उनके नसों में चली गई है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ बात थोड़ी बदल जाती है बात बदल जाती है हम भद्र हैं हम लिबरल भी हैं उच्च शिक्षित भी हैं उदारवादी नीति भी अपनाते हैं सबके प्रति पर हम लोग किसी किसी को बोलते हैं कि ओ, वो छोटो लोग हैं वो नीचू जात वो छोटो लोग वो छोटो जात वो चोरी चमारी करे चोरी चमारी करता है नहीं चोरी करता है वो चमार है मतलब चमार है तो चोरी करता है मतलब चो, चमार है मतलब वो चोरी करता है हमें पता ही नहीं है हम लोग रोज़मर्रा की जिंदगी में इत, ऐसे कितने शब्द को शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें हम लोग ये वर्ण व्यवस्था को आगे लेके जा रहे हैं चोरी चमारी कर रहा है ये शब्द मैंने हर किसी की जबान पर सुना है हमने सोचा ही नहीं कि चोरी ये जो चमार शब्द है ये एक जाति जात एक एक किसी का नाम है वो किसी का सरनेम है एक जाति है वो जो चमड़े का काम करता है वो चमार है उस उसको हमने गाली में तब्दील कर दिया है तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो भी रिक्शा चलाता है टॉली चलाता है बर्तन मांसता है जो हमारी तरह कपड़े नहीं पहन पाता जो हमारी तरह एसेंट में बात नहीं कर पाता जो हमारी तरह कल्चर्ड नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं छोटो लोग हम लोग हमेशा जाति पूछ के उसको नहीं बोलते कि तुम नीच जात के हो हम लोग उसकी पर्सनैलिटी उसकी भाषा उसके पहनावे उसके संस्कृति के द्वारा उस ऊँच नीच करते हैं उस उससे यहाँ पे जो एक कल्चरल एलियनेशन देख सकते हैं ना एक सांस्कृतिक जो है एक विभेद ये ये बंगाल के कॉन्टेक्स में सबसे ज़्यादा दिखता है कि सांस्कृतिक रूप से जो हमारे समकक्ष नहीं है सांस्कृतिक रूप से जो हमसे पिछड़ा हुआ है उसे हम लोग छोटो लोग कहते हैं और ज़्यादातर अगर हम लोग देखें ज़्यादातर जो हम बंगाल में आज भी रिक्शा चलाने वाले हो ऑटो चलाने वाले हो सब्जी बेचने वाले मैला साफ करने वाले, वाले हो वो नीच जात के ही लोग हैं वो लोग नीच जात के ही लोग हैं पर हम लोग चूँकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग जाति प्रथा हमारे बंगाल में नहीं है हम लोग जाति जाति विभेद करके किसी से बात नहीं करते तो हमने कभी उनकी परेशानियों उनके सवालों उनकी परिस्थिति की और ध्यान ही नहीं दिया मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म हमारे राज्य में बहुत बहुत पहले से है हम लोग हम लोग सब जाति प्रथा को बिल्कुल नगण्य देखते हैं ज्योति बसु ने कहा था कि ऐसा ऐसा समाज जो जातियों में विभक्त हो वो कभी उन्नति कर ही नहीं सकता उन्होंने कहा था ये बात पर हमने कभी नहीं सुनी उनकी बात हमने कभी नहीं उन्होंने कहा पर हमने नहीं सुनी हम लोग समझते हैं कि हम लोग जाति जाति विभेद करते ही नहीं पर हम लोग को पता नहीं कि हम लोग अनजाने में जाति विभेद करते हैं कलकत्ता की बंगला बोली है मिदनापुर की बंगला बोली है बांकुड़ा की बंगला बोली है आपके पीछे मुड़ते ही वो आपको बोल देंगे कि ये कलकत्ता की नहीं है ये मिदनापुर की है बांग्लाटा टा कैमोन कैमोन जनो ये जो कैमोन कैमोन जो कैसा कैसा लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है पहनावा कैसा कैसा है हमारी हमारी तरह नहीं है ये जो ये जो एक डिस्टिंग है ये ये बहुत फाइन लाइन सेंस में अचानक से समझ नहीं आता कल्याणी ठाकुर चाणाल जब जाती थी अपने ऑफिस में तब तो उसको बोला तुम अपन नॉट करके मत आया करो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम ऐसी साड़ी मत पहना पालो करो ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लगता है मनोरंजन व्यापारी जब मनोरंजन व्यापारी जब लिखते हैं तब तो उनको बोलते हैं कि विद्यासागर का बच्चा है क्या नहीं मतलब विद्यासागर उच्च जाति के लोग ही बन सकते हैं वो नहीं बन सकते ये जो बातें हैं इन बातों के द्वारा ही इन बातों के द्वारा ही अभी अभी का जो समय है 2020 इस समय जाके ये बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है कि हम लोग सीधे तौर पर किसी के जा, जा, जाति के दंश से जाति टाइटल लेकर अगर बात ना करें तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किस प्रकार दूसरों से दूसरों के सामने रिएक्ट करते हैं किस प्रकार लोग जो जो नीच जात का है उसके पहनावे से उसकी उसके दुर्गंध से माने जब देहरादून में पढ़ते थे ओम प्रकाश बाल्मीकि उन्हें उनके दोस्त को पीटा गया में क्योंकि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने वो देहरादून से आए तो उनका पहनावा लगता उन्हें पीटा गया उसके बाद वो कभी अच्छे कपड़े पहन नहीं पाए वो डर गए वो डर गए उनकी उनकी मानसिक अवस्था ऐसी कि वो अच्छे कपड़े पहनने से डरते थे कि अ, कहीं मुझे पीटा ना जाए चुनी कोटाल जो विद्यासागर यूनिवर्सिटी की पहली दलित महिला ग्रेजुएट थी उसने आत्महत्या की उसने आत्महत्या की किसी बड़ी बात से नहीं बस टोंटिंग से प्रोफेसर्स बोलते थे कि उसके उसके शरीर से गंध आती है दुर्गंध आती है हम लोग सफ़ेद पोशी व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं जो मैला साफ करता है उससे दुर्गंध आती है चुनी कोटाल ने आत्महत्या की थी वो पहली ग्रेजु महिला ग्रेजुएट थी दलित विद्यासागर यूनिवर्सिटी से तो ये जो बातें हैं ये जो चीज़ें हैं ये दलित विमर्श में बहुत बहुत मायने रखती हैं स्पीवा कहती है कैन द सबल्टन स्पीक कैन द सबल्टन स्पीक मतलब सबल्टन वही है दलित वही है जिसकी बात हमें जिसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती जिसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती दलित वही है दलित आज लिख रहे हैं कितने दलित लिख रहे हैं और कितने दलित मारे जा रहे हैं अगर इसका रेशियो देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि जितने दलित लिख रहे हैं उससे डबल मारे जा रहे हैं केवल जातिवाद के दंश से ही पगड़ी पहनने पे सर काट लिया जाता है यहाँ पे तो क्या किया जाए दूसरी बात यहाँ अगर देखें कि हम लोग तो जानते थ्योरी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहाँ पे आरक्षण के द्वारा जो लोग आते हैं वहाँ भी उनसे भी वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कि वो पॉजिटिव है क्योंकि उनको आरक्षण दिया गया है कि वो हमारे तक आ सकें पर उसके द्वारा भी वो ज़्यादा बुलिंग होने लगे हैं उस उसके कारण भी वे बुलिंग होते हैं कि आरक्षण के कारण ही तुम यहाँ तक आ पाए हो तो सोसाइटी ने समाज ने राजनीति ने कानून ने बहुत कुछ तैयार किया है पर समाज उसको मान नहीं पा रहा है समाज उसको ले नहीं पा रहा समाज अपने उस मनोवादी दिमाग से बाहर निकल नहीं पा रहा है उन्हें लगता है कि उन्हें लगता है कि वो उनका अधिकार क्षेत्र चला जाएगा यहाँ पे अधिकार क्षेत्र की, की बात बहुत इम्पोर्टेंट है अधिकार क्षेत्र की बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी को कुछ अधिकार दे रहे हैं तो निश्चित तौर तो पर किसी ना किसी के अधिकार हम हरण कर रहे हैं है। एक वर्ग को न, एक निश्चित वर्ग को जब हम लोग अधिकार प्रदान करते हैं तब आप ये मानिए कि हम एक निश्चित वर्ग का अधिकार हनन भी कर रहे हैं कैम्प का मॉडल भी यही है आगम्बन के कैंप के मॉडल में अगर हम देखें तो कैंप में उन लोगों को डाला गया जिनसे सोसाइट जिनका लगता है कि इनके ना रहने पे इनके मर जाने पे बाकी का सोसाइटी बाकी की बची हुई सोसाइटी ठीक रहेगी वो सुरक्षित रहेगी कैंप का मॉडल इसी पे काम करता है अगम्बन ने इसे जिस जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने उन्हें झुग्गी गंदी बस्तियों में इसलिए डाला उन्हें जमीनी अधिकारों शिक्षा के अधिकारों हर प्रकार के अधिकार से वंचित इसलिए रखा क्योंकि हम अपने अधिकार सुनिश्चित कर रहे हैं अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने एक वर्ग को जो पूरे हिस्से का बीस प्रतिशत है उसको हमने दबाए रखा है आज तक दबाए जा रहे हैं विभिन्न कारणों से दबाए जा रहे हैं तो यहाँ पर आके हम लोग एक और बात पर बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये स्थिति आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्यों बनी हुई है क्या कारण है तो एक कारण तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल सीधा साधा है जो हम लोग को दिखता है वो है कि हमारी वैचारिक स्थिति वैचारिक जो संरचना है वो इडियोलॉजिकल जो स्टेट एपरेटिस है हमारा ये मार्क्स ये ये बोला गया था आ, किसी और परिप्रेक्ष्य में इसको मैं दलित के परिप्रेक्ष्य में अगर देखूं कि हमारी वैचारिक संरचना ही ऐसी बनाई गई है कि हमें सब ठीक लगता है जब सलाम के बारे में लिखा गया जब सलाम की रीति के बारे में लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कि वो समर्थ है उसे सलाम शादी के बाद सलाम करते हुए कुछ चीज़ें नहीं चाहिए वो भीख में फेंकी हुई चीज़ें नहीं चाहिए पर वो एक रिवाज़ है उस लड़के और और उस बहू को पहले दिन ही उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई कि तुम जहां रहने आई हो वहां तुम्हें हमें सलाम करके जीना पड़ेगा हमारे टुकड़ों पे पलना पड़ेगा ये एक वैचारिक संरचना है जो 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 उच्च वर्ण में भी है निम्न वर्ण में भी है मेला साफ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा मंदिर छू लेंगे तो पाप हो जाएगा ये बहुत निम्न जाति के लोग कहते हैं बहुत दलित जाति के लोग कहते हैं आज धारणाएं टूट रही हैं पर ये बातें पहले बोली गई हैं तो ये जो मानसिक ये जो वैचारिक संरचना है कि जो जैसा है वैसा ठीक चल रहा है या ये जो संरचना जो एपेरेटिस जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नॉर्मल माने हुए हैं ये ये ठीक है ये हमारे विचार में ही चला गया है ये समाज ने हमारे विचार में ही डाल दिया गया है अगर हम लोग देखें कि एक और क्या कारण है वो है रिप्रेस रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिस जिसमें हमारा स्कूल कानून मिलिट्री सब आ जाता है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें प्रैक्टिकल नहीं करने दिया जाता था वो दिन भर टीचर का काम करते थे छोटी उम्र में तो दिन भर झाड़ू लगाते थे तो एक स्कूल जहां से पहली शिक्षा पहला विचार पहला पहला मानसिक संरचना तैयार होती है वही आपके सोच की नींव को तोड़ दे वो 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 तो वैचारिक कारण हो गया और दूसरा आ गया आपका रिप्रेसिव मतलब आपका कानून आपके मिलिट्री ये किसके पक्ष में है ये, ये पक्ष में है जो क्षमता में है ये सब किस किसके पक्ष में है जो 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 पावर में है जो क्षमता में है जो जो क्षमता में है उसके लिए ये काम करते हैं ये ये पुलिस है ये मिलिट्री है ये कानून है तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर एक 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 मुआना करें कि किस प्रकार दोनों का किस प्रकार जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और मनोरंजन व्यापारी ये दोनों ही पुलिस से बहुत घृणा करते थे क्यों घृणा करते थे दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं सामने कि जब गांव में चकबंदी होती थी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं जब गांव में चकबंदी का काम होता था कुछ भी काम होता था पुलिस आती थी दलितों को पीटती थी उन्हीं से काम कराती थी भूखे लोगों के मुर्गे मुर्गियाँ उठा के लेके चली जाती थी बचा कुछा जो रहता था उठा के लेके चली जाती थी दलित महिलाओं के बलात्कार पर हजार हजार बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है एफ दर्ज नहीं हुई है ऐसी हजारों कहानियां हैं जिसमें आप इसको देख सकते हैं कि हजारों कहानियाँ की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है यहाँ पे प्रशासन उनके विरुद्ध है जबकि प्रशासन का काम होना चाहिए समाज के सभी लोगों को एक नजरिए से देखने की सभी को एक तरीके से देखने की यहाँ धार्मिक जो धार्मिक जो कारण से यहाँ पे विभेद है इसको दूर करना कानून का काम है पर चूंकि स्टेट एपरेटिव के एक तंत्र है एक 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 उसका उसका उसकी उसका मूल्यवान पक्ष है मिलिट्री कानून पुलिस तो वो भी उन्हीं के उच्च वर्ण का उच्च वर्ण के होके ही दलितों पे दोबारा अत्याचार करती है जब मनोरंजन व्यापारी लिखते हैं कि उनका राशन आना बंद हो गया लास्ट राशन तीन महीना पहले आया था उन्होंने तीन महीना पहले राशन ख़त्म हो गया फिर बोला कि भूख हड़ताल करेंगे मतलब खाना तो है नहीं भूख हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है तो भूख हड़ताल करेंगे तो भूख हड़ताल की भी दो महीने बीत गए तब वो लोग कलकत्ता आने लगे तब मिलिट्री ने बोला तब पुलिस ने बोला कि ये कलकत्ता शहर को लूटने आ रहे हैं नंग धड़ंग लोग और तब उनके पिताजी को इस प्रकार पीटा गया कि वो मृत्यु के पास तक चले गए तो अगर हम लोग देखें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जितने भी अनुभव है पुलिस को लेकर प्रशासन को लेकर ओम मनोरंजन व्यापारी के जितने भी अनुभव है पुलिस प्रशासन को लेकर ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जावे पे पुलिस प्रशासन जो है उच्च वर्ण या जो पावर में है धार्मिक कारणों से दलितों पर शोषण करती है दलितों पे अत्याचार करती है तो ये जो एक रिप्रेस जो दमनकारी एक संरचना है जो रिप्रेशन है इसको बनाए रख रखता है पुलिस कानून मिलिट्री और एक जो आइडियोलॉजी है जहां पे जाके बच्चे का मानसिक जो वैचारिक संरचना है वो ध्वस्त हो जाता है वो है स्कूल कॉलेज चुनी कोटाल ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज में जाकर आत्महत्या की क्योंकि उ, उस वो किसी शिक्षक के द्वारा प्रताड़ित थी वहां के बच्चों के द्वारा शिक्षकों तो के द्वारा प्रताड़ित थी ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने शिक्षकों के द्वारा इतने प्रताड़ित थे उन्होंने कहा कि मैं साल भर पढ़ता ही नहीं था मैं साल भर काम करता था उन्हीं का काम करता था तो ये जो दो तरीका है एक दमनकारी संरचना का और एक वैचारिक संरचना का ये दो बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो लगेगा कि ये जो ये जो स्ट्रक्चर है जो अपेटिव है ये जो संरचना है ये संरचना हमें ये संरचना हमें समा अच्छी लगेगी ठीक लगेगी हमें लगेगी इसमें कोई चेंज की कोई जरूरत नहीं है या फिर लगेगा कि ये चेंज लाएंगे पर वो चेंज नहीं ला रहे हैं इस 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 लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा कि ये दो प्रकार की संरचना पहले ध्वस्त की जाए पहले वैचारिक संरचना का ध्वस्त होना जो जो निम्न जो हम लोग सोचते हैं कि ये सही है समाज ने धर्म ने हमारे लिए सही किया है ये गलत है अम्बेडकर ने कहा क्या आपको हिंदू के मंदिर में एक जगह क्यों चाहिए अब हिंद, आप हिंदू हिंदुओं हिंदु, के मंदिर में जाना बंद कर दीजिए आपको प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा पर कितने लोग ये बात सुनते हैं कितने लोग ये बात समझते हैं तो हमारे यहाँ जो दलित जो आंदोलन है उनके असफल होने का ये भी एक कारण है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो वही की वही है उसमें चेंज नहीं आया बस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करने से नहीं चलेगा हमारे भारतीय समाज में केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करने से नहीं होगा आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आपको चेंज करना पड़ेगा नहीं तो नहीं तो चेंज आना मुश्किल है चेंज आना मुश्किल है और दूसरी बात यह कि यहाँ पे एक सांस्कृतिक आधिपत्य हम देख ही सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मंदिरों में जाना जरूरी नहीं है पर फिर भी हम लोग जाते हैं कितने लोग बता पाएंगे कि दलितों में कौन कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं वो लोग दिवाली में लक्ष्मी की पूजा नहीं करते माई मदारिन की पूजा करते हैं पर हम लोग को पता ही नहीं है ये जो कल्चरल एम्पेरियलिज्म है एक सांस्कृतिक एक सांस्कृतिक आधिपत्य जो है ये दलितों में भी चले आ रहा है वो लोग उनकी जो देवी देवताओं की जो घुसपैठ है हमारे हिंदू देवी देवताओं की घुसपैठ भी उनके घर में जारी है उनके अधिकारों उनके स्थान उनके 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 वो तो छोड़ ही दीजिए हमारे देवी देवताओं की भी घुसपैठ वहाँ जारी है जिसके कारण भी उनका वैचारिक संरचना है कि वो लोग अपने देवी देवताओं को छोड़ के हिंदू देवी देवताओं को पूजना चाहते हैं तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हमने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और उसके चलते राजनैतिक परिसर से उनको बिल्कुल बेदखल रखा है उनको बिल्कुल पायदान पे रखा है जिसके लिए हमारे समाज की आइडियोलॉजी हमारा आर्थिक संरचना हमारे देश का रिप्रेसिव जो कल्चर है हमारे देश की मिलिट्री शासन व्यवस्था राजनीति बहुत हद तक दाई दा, दाई है इसके लिए जिसे बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है हम जो ये दलित जो अगेंस्ट द पावर है जो मोड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, की तरफ अगर देखें कि हम ये इस इस समाज में जितना भी मतलब जो उच्च वर्ण का जितने जितनी भी भागीदारी है जितनी जितनी उसके जो अगेंस्ट है उनको जो उस परिसर में आने नहीं दिया जा, जाता इसके लिए उन्हें अपना अलग परिसर तैयार करना बहुत जरूरी है यह हम लोग देख ही सकते कि मतलब इसका कोई एक निश्चित समस्या भी नहीं है इसकी कोई एक निश्चित समाधान भी नहीं है यहाँ बहुत तरीके के भा जितनी भाषाएं उतनी उतने तरीके के दलित उतने तरीके की समस्याएं और एक तरीके का समाधान नहीं है तो इन समाधान को समाज में लागू करने के लिए वैचारिक संरचना बदलना सामाजिक संरचना बदलना धार्मिक घेरेबंदी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है तो हम लोग अगर देखें कि अब आते हैं कि क्या दलितों का उद्धार नहीं हुआ है क्या वो दलित वहीं पड़े हैं जो विभाजन के वक्त पड़े थे या फिर अंबेडकर के काल के काल में ही पड़े हैं कि उनका उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की या फिर उनका कुछ भी उद्धार नहीं हुआ क्या वो लोग नौकरी वगैरह नहीं करें ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है पर अब आ, बात यहाँ आ जाती है कि जब कोई दलित पढ़ लिख कर भद्र समाज में बंगला के भाषा में बंगला भाषा में अगर बोले भौद्रुल के साथ तो जो कौन मेला मैशा करे या फिर हिंदी में अगर बोले कि अपर सोसाइटी या अपर कल्चर या अच्छी संस्कृति में जाके जब मिलजुल करने लगते हैं पढ़ लिख कर तब वो वैसे बन जाते हैं तब उनका आचरण दूसरे दलितों के प्रति वैसा ही हो जाता है मतलब वो तब ब्राह्मणवादी हो जाते हैं तब अब केवल ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं रह जाता है तब एक दलित ब्राह्मण बन जाता है एक लेख है कि इसका दलित ब्राह्मण करके मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तब वो दलित ब्राह्मण बन जाता है तब वो अपने अपने ही जात के लोगों से उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा कि उच्च वर्ण के लोग करते थे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वाइट मैन ब्लैक मैन व्हाइट स्किन मतलब एक काले आदमी ने सफेद आदमी की चमड़ी पहन ली वो अंदर से काला है वो अंदर से पर उसका आचरण व्हाइट मैन की तरीके से है मतलब जिस चीज को तोड़ने के लिए जिस चीज को जिस स्ट्रक्चर जिस के ध्वंस जिस स्ट्रक्चर को ध्वंस करने के लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी वो वहां तक पहुंचा वो जाके उस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है उसी स्ट्रक्चर का उसी उसीटिस जिस एपेरेटिस को तोड़ने की कोशिश की गई थी वो उस एपेरेटिस का हिस्सा बन जाता है और फिर वो वही दमनकारी नीति अपनाता है तो यहाँ पर फिर से हम लोग घूम के आते हैं कि क्यों ज़रूरी है दलितों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है हर प्रदेश के दलितों को पढ़ना क्योंकि तो यहाँ डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अरस्तु के अगर हम लोग डायजेटिक या डायलॉगिक इमेजिनेशन की बात करें कि उन्होंने कहा था कि डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मतलब डायलॉग के द्वारा एक इंसान बस हम लोग डायलॉग के द्वारा बहुत मतलब उच्च जाति के लिखे हुए साहित्य में से भी दलित को निकाल के ला सकते हैं क्योंकि तो वहाँ पे जहाँ पे डायलॉग्स हैं प्रेमचंद की बहुत महान रचनाकार हैं वो उनकी रचनाओं में से पूरा दलित साहित्य पढ़ा जा सकता है मतलब उन्होंने वहाँ पे जो डायलॉग्स वहाँ पे जो डायलॉग्स का प्रयोग किया है जो लिखे हैं हाँ जो उन्होंने उनका उनके मुँह से उनके ही मुँह से उनकी बात कहलवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आत्मकथा भी इंपॉर्टेंट है इसलिए उनकी दलितों की दलितों की किसी भी प्रकार की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहां पे उनके डायलॉग्स हैं वहां पे सुंदरता कलात्मकता सौंदर्य नहीं है वहां पे नग्न यथार्थवाद वहां पे डायलॉग्स हैं तो ये बहुत जरूरी है पता नहीं मैं कितना कवर कर पाई हूं इसमें तो जो भी हो इतना हम लोग मान के जरूर चलेंगे कि विप्लव जो है वो पद दलितों से होता है मार्क्स ने जो डी क्लास बोला था डी क्लास थ्योरी वो हमारे लिए डी कास्ट होगा हमें डी कास्ट होना पड़ेगा हम जब इस डी कास्ट होंगे जब हम समझेंगे कि हिंदू धर्म में या हिंदू धर्म या ऐसी जो विभेद है इनसे हमें दूर होना पड़ेगा हम लोग डी कास्ट हो जाएंगे जाके ये समस्याएं दूर होंगी तो रविंद्रनाथ के पुण्यतिथि पर उन्हीं की एक पंक्ति के द्वारा मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगी जो दलित साहित्य के लिए अपना सकते हैं दलित साहित्य के लोग अपना सकते हैं हमारा समाज अपना सकता है हर कोई अपना सकता है जिसे भी किसी प्रकार के शोषण से उभरना है वो इसे अपना सकता है तोबो बिहंगो ओरे बिहोंगो मोर एक औन्द बॉन्दो ना पाखा अरे पक्षी मेरे पक्षी यहीं पे अपनी उड़ान मत थमा यहाँ पे शंकर गुहन योगी को याद करते हुए मैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दलितों आदिवासियों सबके लिए अपने प्राण त्यागे उनकी हत्या कर दी गई उसे याद करते हुए इस विप्लव को जगाए रखने के लिए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ आप सबों का बहुत धन्यवाद लाल सलाम